नमस्कार। इस होली में आप ज़रूर ये लेयर वाला गुजिया बना करके देखिए, ये बहुत टेस्टी होता है खाने में और सॉफ्ट भी। तो चलिए बनाने का तरीका देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है मैदा 2 कप, तेल लिया है 2 टेबलस्पून। मैंने 2 कप के हिसाब से ये वाला इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ आपको। नमक आपको 1 छोटा चम्मच लेना है, आप अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो उस हिसाब से 4 कप का मैदा का आप बनाना चाहते हैं तो उसमें 4 चम्मच तेल डालिए और नमक भी थोड़ा सा ज़्यादा डालिए। इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच अजवाइन। तो इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, तेल और मैदे को देखिए ऐसे मिक्स करें ताकि ऐसे जैसे कि आपके जो हाथों में मुट्ठी बन जाए। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएं, पानी ज़्यादा एक साथ नहीं मिलाना है, हमें हार्ड डो बनाना है तो धीरे धीरे करते हुए आपको पानी मिलाना है। तो थोड़ा थोड़ा करके इसका एक हार्ड डो बनाएं। तो इस तरीके से आप गूंथते हुए एक हार्ड डो बना ले। देखिए मैं डो बना चुकी हूँ। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हम तेल लगा लेंगे और इसको हम फ्रिज में रख देंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए, या फिर 20-25 मिनट के लिए भी रख सकते हैं आप। तो थोड़ा डो जो है हार्ड हो जाएगा। अभी मैं इधर मावा बना रही हूँ इसका स्टफिंग। तो इसके लिए मैं 1 कप दूध लिया है। दूध को थोड़ा सा उबलने दीजिए। उसके बाद इसमें 1 कप मैंने लिया है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को धीरे धीरे करते हुए इसमें मिलाएं। और जब आप मिल्क पाउडर मिला रहे हैं इस समय आपका गैस जो है, गैस का फ्लेम जो है मीडियम रखें और लगातार चलाते हुए ही मिलाएं। ये देखिए थोड़ा थोड़ा गांठे जैसा बन गया है। तो अगर आप लगातार नहीं चलाएंगे तो पूरी तरह से मिक्स नहीं होगा। तो ऐसे लगातार चलाते हुए इसका गुठलियाँ जो है इसको मिक्स करते हुए ही आपको लगातार चलाते रहना है। देखिए थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। अभी हम इसमें डालेंगे घी 2 चम्मच। आप घी की जगह बटर भी ले सकते हैं, वो भी अनसॉल्टेड बटर आप इसमें ले सकते हैं। तो फिर से आप लगातार ऐसे चलाते रहें और गैस का फ्लेम जो है मीडियम रखें। अगर आपके मिल्क पाउडर थोड़ा कम हो गया है तो थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल सकते हैं इसमें। अगर पतला हो गया है मावा तो जितना भी पकाएं तो ये गाढ़ा नहीं होगा, तो इसलिए थोड़ा सा पतला है तो मिल्क पाउडर थोड़ा सा और मिला दें। तो ऐसे चलाते हुए मुझे 5 मिनट हो गया है। अभी 5 मिनट के बाद थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है मावा। तो ऐसे कंसिस्टेंसी में आने तक आपको चलाते रहना है। उसके बाद तुरंत आपको गैस को बंद कर देना है, ज़्यादा देर तक नहीं चलाना है। फिर और थोड़ा हार्ड नहीं बनाना है। अगर हार्ड बनाएंगे तो ये डो जो है हार्ड हो जाएगा। तो अभी मैं पैन को दूसरी तरफ मैंने रख दिया है और अभी एक दूसरा पैन लेके इसमें मैं नारियल को, जो कसा हुआ नारियल था, इसको मैं भून लूँगी। इसको भी मीडियम फ्लेम में आपको भूनना है नारियल को। तो लगातार नारियल को भी आपको चलाते रहना है। और देखिए थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के बाद ये कलर चेंज होने लगता है। तो ऐसे थोड़ा कलर चेंज हो जाए तो हम इसमें, अभी मैंने मावा वाला जो पैन था इसको मैंने फिर से रख दिया है और इसमें हम जो नारियल जो भुना हुआ था इसमें मिला देंगे। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़। गुड़ को मैंने क्रश करने के लिए भूल गई थी तो मैंने बाद में क्रश कर लिया था। आप पहले से ही क्रश करके डालें क्योंकि गुड़ आप क्रश नहीं करेंगे तो ये जल्दी पिघलता नहीं है।
इसमें मैंने इलायची डाल दिया दो कुटी हुई। तो ऐसे आप साबुत मतलब डालेंगे गुड़ को जो है बड़े बड़े पीसेस में डालेंगे तो जल्दी पक नहीं पकेगा, टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा आप क्रश कर लें उसके बाद ही डालें। तो इसमें मैंने दूध डाल दिया है 2 से 3 चम्मच, और गैस का फ्लेम जो है मीडियम ही रखें या फिर स्लो रखना है आपको इस समय, और इन सभी को मिक्स कर देना है। अभी हमारा स्टफिंग जो है रेडी हो गया है, अच्छे से पक गया है सारे गुड़ और मावा और नारियल, तो स्टफिंग जो है रेडी हो गया है। अभी गैस बंद करके हम इसको रख देंगे, अलग से रख देंगे। तो रेडी है हमारा स्टफिंग। अभी मैदे को जो है मैंने फ्रिज से निकाल के इसको छोटा छोटा बॉल नींबू जैसा पीसेस में, नींबू जैसा साइज का बॉल बना लिया है। इसको हम एक रोटी जैसा बनाएंगे छोटा छोटा। तो एक बेलन लेके मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, या फिर आप आटा डाल, आटा या मैदा जो मैदे हैं उसको डाल सकते हैं। तो इसको आप ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, हम लेयर वाला बनाएंगे तो हम थोड़ा सा पतला ही रखेंगे क्योंकि डबल लेयर इसमें आएगा। तो ऐसे इस साइज का आप काट लीजिए एक कटोरी लेके, आप जिस साइज में बनाना चाहते हैं उसी साइज का कटोरी लेके इसमें काट लीजिए। फिर ऐसे 2 पीस हमें चाहिए तो 1 पीस में हम इसको ऐसे कट करेंगे, देखिए साइड साइड से हम छोड़ देंगे, उसके बाद बीच से यहाँ तक लास्ट तक ऐसे कट कर लेंगे। तो मैंने कट कर चुकी हूँ, मैंने कट कर लिया है, और इसको साइड में हम लगा देंगे पानी। साइड में पानी लगा के इसको इसी तरह से और एक बार उसके ऊपर लेयर डाल देंगे और एक रोटी जैसा डाल देंगे, और इसको हम चिपका देंगे। पानी मैंने लगा दिया है तो ये चिपक गया है। अभी इसके अंदर जो है स्टफिंग भरना है, इसे स्टफिंग डाल के इसके बाद इसके ऊपर इसके साइड में भी पानी लगाना है थोड़ा सा। एक साइड में पानी लगाएं तो दोनों साइड चिपक जाता है। तो इस तरीके से आपको साइड में पानी लगाते हुए इसको ऐसे चिपका लें ताकि अंदर का जो डो है सुरक्षित रहे, मतलब तेल में जब तलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसको थोड़ा सा आटा लगाएं इस और इस तरीके से दबा लें। अभी हम एक डिजाइन बनाएंगे, ऐसे काटा छुरी लेके इसमें हम एक डिजाइन बना लेंगे। अभी देखिए एक डिजाइन बन गया है। इसी तरह से सारे गुजिया जो है आप बना लीजिए। और यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए ऑलरेडी रख दिया था पहले से, तो जब तल रहे हैं तो एक बार गरम कर लें, उसके बाद थोड़ा सा मीडियम या फिर स्लो रखें तलने के टाइम। एक बार फुल फ्लेम में गरम करने के बाद ही आप इसको थोड़ा सा मीडियम या फिर लो फ्लेम में तलें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हाई फ्लेम में तलेंगे तो ऊपर का जल जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा जल जाएगा और अंदर से नहीं पकेगा। तो इसीलिए आप मीडियम फ्लेम में ही इसको तेल में फ्राई करना है, तेल में तलना है। तो इसीलिए तो इस तरीके से आप 4 से 5 मिनट तक इसको तलना है। देखिए 4 से 5 मिनट पलटते हुए मैंने तल लिया है इसको। तो आप ऐसे ही इसको खा सकते हैं, नमकीन ऊपर से नमकीन लगेगा और अंदर से स्वीट है ये वाला गुजिया। आप ज़रूर बना करके देखिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं,
और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।